So recently, Ali Abdal called me and he said, Let's have a face to face meeting. Alright, so I'm at Regent's Park. I'm here to attend Ali Abdal's meetup, it's a casual meetup.

असल जी अली शाह हेयर सो आई एम स्टिल इन दू के एज़ यू नो आई एम हेयर इन लंडन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि अली अब्दाल को आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे अली अब्दाल एक प्रोडक्टिविटी कोच हैं हु लिव्स इन यू के यूट्यूब के चैनल पर उनके तकरीबन फाइव मिनियन सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन अदर दैन दैट उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म किया है इनको बेहतर बनाया है उनकी जो रूटीन्स हैं उनको प्रोडक्टिव बनाया है He's got a great fan following. So recently Ali Abdal called me and he said let's have a face-to-face -face meeting because I was in uh, UK already. Alright, so I'm at Regents Park. I'm here to attend Ali Abdal's meetup. It's a casual meetup and I'm looking forward to it. So I'm just walking over to the place. Really excited to be here. Cheers. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो टोनी रॉबिंस के बारे में शायद आपने सुना होगा इज अ बिजनेस कोच ही इज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंपनीज़ और उसके थ्रू वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी पे भी इंपैक्ट कर चुके हैं उनको भी ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं बिजनेस को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं अच्छा मैंने लास्ट ईयर आपको मैंने बताया था इस साल के स्टार्ट में एक वीडियो में कि मैंने किस तरह एक ऐसी वीडियो बनाई क्योंकि मैंने पिछले साल अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की आई इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ बाई अटेंडिंग अ फ्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम टोनी रॉबिन्स का भी था जिसे अनलीच द पावर विद इन कहा जाता है जिसके साथ साथ एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया अली अब

और जब मैं वहां अ कम्युनिटी मीटअप ऑफ द पीपल जो उसके कम्युनिटी का हिस्सा थे और जिन्होंने उसके सेशन अटेंड किए हुए थे कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड सो इट वेंट रियली वेल बिकॉज जैसे ही मैं वहां पे एंटर हुआ तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ग्रुप सुनाए लोग अली की टीम के थे कुछ इलावा जो कंटेंट क्रिएटर्स थे इवन मुझे मौका मिला अली के साथ अपना जर्नी शेयर करने का बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट मीटिंग है ना वो बड़ा फोकस्ड है टू इनेबल पीपल टू अनलॉक देयर टू पोटेंशियल एंड ऑल्सो टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ आंट्रप्रीनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट्स सो ये मैं पिछले आठ साल से खुद भी ये करता आ रहा हूँ जब से मैंने अपने कॉरपोरेट जर्नी जो मेरा पंद्रह साल का था दो हजार पंद्रह में मैं उसको खैरबाद का और उसके बाद मैंने अपना ये सफर स्टार्ट किया अंटरप्रीनियोरशिप का तो जो चीज़ें मैं खुद करता आया हूँ वही मैं अपने चैनल पर लोगों को एजुकेट करता हूँ कम्युनिकेट करता हूँ ताकि वो भी अपने पोटेंशियल को अनरीच कर सकें अली वॉज क्वाइट बाईट बिकॉज यू आर डूइंग गुड जॉब आई टोल्ड हम दट आई एम एबल टू गेट गुड बिजनेस आउट ऑफ इट एज वेल बिकॉज जिन लोगों को मैं मिलता हूँ जो मेरी की ऑडियंस है वो वही लोग हैं जो उस कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज के एम्प्लॉज हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं हमारी तरह के आर बिजी प्रोफेशनल्स वो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में किसी के ऊपर मिड लाइफ क्राइसिस आया हुआ है लेकिन वो कर नहीं पाते तो उनको हम लोग गाइड करते हैं कि यार तुमने किस तरह साइड से स्टार्ट करनी है तो किस तरह ऑन्टरप्रीनरशिप स्टार्ट करनी है कई दफ़ा लोग एक ऐसी जॉब में फंसे होते हैं जिसे कहते हैं ना राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वो नहीं होती तो वो ऐसी जगह फंसा होता है जहाँ पे वो अपना पोटेंशियल बेचारा अन कर ही नहीं पा रहा होता अनलॉक कर ही नहीं पा रहा होता तो उसको गाइड करना है कि कैसे तुमने बेस्ट अपना कॉम्बिनेशन बनाना है वो चीज़ जो तुम्हें मोटिवेट करे वो चीज़ जो तुम्हारे अपने पर्पज ऑफ लाइफ के बारे में से रिलेटेड हो वो चीज़ करो खैर अलीट या तो बड़ी अच्छी चीज़ है ही एस मी वाई यू नॉट लॉन्चिंग यूर ओन कोर्सेज आई सेट आई डोट नीड दैट इमीजिएटली बिकॉज आई रन माई ओन बिजनेस यूजली कोर्सेज का फायदा उन लोगों को होता है जिन्होंने अपने जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से पैसा बनाना हो तो आई डोंट नीड दैट इमीजिएटली बिकॉज होता क्या है कि जो मेरा बिजनेस है उसको बेनिफिट हो जाता है जो मेरी करियर ऑडियंस है अगर मेरे सेवन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल के आई डोंट नीड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मुझे सेवन थाउजेंड में से एटलीस्ट दो हज़ार सब्सक्राइबर्स वो हैं जो मेरे प्रोपेड क्लाइंट्स भी हैं मेरे बिजनेसेस के सो दैट इज वाई वन दे आर वॉचिंग माई कॉन्टेंट दे आर टेलिंग मी फेस टू फेस कि यार आपकी पॉडकास्ट अच्छी थी आपका कॉन्टेंट अच्छा था सो दैट्स वेरी गुड बूस्ट फॉर मी एंड दैट्स एक्जैक्टली वट ही सेड कि दिस इज समथिंग रियली गुड सो दैट वॉज अ गुड वैल्यूडेशन फ्रॉम समबडी हु हैज रीच्ड At a pinnacle of his uh, content creation journey or uh, that was something I asked him guarantee would you advice whether you're doing good or seek continue That's... so many guys here at least tell me about some good book because you are always telling people about some good books that you read or you do podcast with so initially he mentioned uh, Alex hard book 100 million offers creating 100 million offers I told him I already saw your podcast with Alex and I have read that book so give me another one so he, then he did gave me a book which is called traction

उनको दे के बाद हमें थोड़ा सा हौंसला हुआ और कुछ ऐसे भी थे जिनके एक मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे और मुझे जो चीज़ मज़े की लगी वो ये थी कि सब लोग इतने हम्बल थे इवन अली वो सच ए हम्बल गए एंड सच ए अप्रोचेबल पर्सन उससे मिलकर ये अंदाजा होता है कि यार जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है ना तो आप जैसे कोई दरख्त होता है जो जिसके ऊपर फल लगता है तो वो झुक जाता है सो so, जिंदगी में आगे बढ़ने का यही तरीका है कि आप हम्बल होते चले जाएँ एंड बिकम अ गिवर सो ही वॉज ग्रेशियस इनफ एंड ही वॉज जनरस विद हिस टाइम दैट ही वॉज हैविंग दिस कम्युनिटी इवेंट और उसके ब्रांड पुल इतना ज़्यादा है और उसकी कम्युनिटी की पावर इतनी ज़्यादा है कि पीपल हैड फ्लोन ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क एक बंदा ऐसा था जो न्यूयॉर्क से फ्लाई करके आया हुआ था सिर्फ ये इवेंट अटेंड करने के लिए सो दैट वाज क्वाइट एक्साइटिंग टू मीट सच एन एनर्जाइजिंग कम्युनिटी एंड बी पार्ट ऑफ इट सो आई लर्न लॉट फ्रॉम दैट एक उनकी जो टीम से मिलकर भी मुझे खुशी हुई बिकॉज द टीम वॉज वेरी एक्साइटिंग एज वेल और मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये सारी जो गेम है कॉन्टेंट क्रिएशन की इट्स नॉट इस तरह नहीं है कि ये कोई टेनिस का मैच नहीं है जिसमें सिर्फ एक बंदा खेल रहा होता है बल्कि ये फुटबॉल का मैच है ये टीम प्ले है आपकी टीम जब तक अच्छी नहीं होगी वट यू सी ऑन द स्क्रीन अली अब्दाल और एनी अदर कॉन्टेंट क्रिएटर उसके पीछे पूरी एक टीम है जिसने उसको यहाँ तक पहुँचाया है सो ऑलवेज इस्टेब्लिश द हैबिट ऑफ डिवेलपिंग टीम एंड देन यूड बी सींग द रिजल्ट ऑफ दैट ओवर टाइम सो आई थिंक ऑल इन ऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई स्ट्रॉगली रिकमेंड यू टू चेक आउट दिस थिंग जिंदगी में जब भी आपको कोई मौका मिले एक तो ट्रैवल ज़रूर करें लेकिन जब भी आपको कोई मौका मिले लोगों के साथ इंगेज होने का तो कनेक्ट विद पीपल द कनेक्शन यू क्रिएट विल ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड यू विल सी जो जो लोगों से मिलेंगे आपका नेटवर्क भी बढ़ेंगे लेकिन साथ साथ एक कम्युनिटी की फीलिंग आएगी एंड हेल्प ईच अदर ग्रो सो दैट इज़ द बॉटम लाइन दैट ऑलवेज हेल्प ईच अदर ग्रो द वर्ल्ड नाउ इज़ मूविंग टूवर्ड्स कम्युनिटीज सो फॉर्मिंग कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो अली की कम्युनिटी है वो बड़ी स्ट्रांग इसीलिए है उसमें मैंने ये चीज देखी सब एवरीबडी ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉटेंट थिंग फॉर मी द की टेक अवे के कम्युनिटीज पे फोकस किया जाए बिकॉज कम्युनिटी में आप लोगों की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता है सो आई होप यू लाइक दिस एपिसोड इट वॉज जस्ट ब्रीफ एक्सपीरियंस दैट आई शेयर विद यू अबाउट माई मीटिंग विद अली अब्दाल एंड इट वज ग्रेट एंड पर्सनली आई लाइक हिम बिकॉज ही इज क्वाइट फोकसड एंड ही ब्रिंग्स गुड कॉन्टेंट अभी भी मैं सेंट ऑलम्स मैं आऊँ आपके लिए ऐसे माहौल में भी मैं टाइम निकाल दूँ कि वीडियो शीडियो बना ली जाए तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें थोड़ा सा जैनल अपने कमेंट्स से शेयर करें और प्लीज़ लेट नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी Thank you very much. Stay tuned for more.